ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। सोलन पहुंचे रामनाथ कोविंद का जोरदार हुआ स्वागत, रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद के लिए मांगा समर्थन। नालागढ़ में सीएम वीरभद्र सिंह ने किया ऐलान, पार्टी के भीतर काली भीड़ों का होगा पर्दाफाश, बोले पार्टी के भीतर छुपे हैं कुछ विश्वासघात व्यक्ति। प्रदेश में पहली बार लगेंगे सेल्फी प्रतिबंधित क्षेत्र के साइन बोर्ड, ब्यास नदी के किनारे NH-21 पर लगाए जाएंगे चेतावनी के बोर्ड, हादसे के चलते लिया गया निर्णय। और रतिपुल के ग्रामीणों ने केस वापस लेने की उठाई मांग, पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज किया है मामला, ठेके के विरोध में दुकान से बाहर निकाली थी शराब की पेटियां। अगले सप्ताह सोलन में जैकी श्रॉफ फिल्म की शूटिंग करेंगे, यही नहीं जैकी श्रॉफ सोलन में 3 दिनों तक रहेंगे और उनके साथ रिया अरोड़ा, इंडिया गॉट टैलेंट का बाल कलाकार अक्षय सिंह और रशिया का कलाकार तर्मिलान भी मौजूद होंगे। यह सभी कलाकार सोलन में वेस्ट फ्रेंड फिल्म की शूटिंग में सोलन की खूबसूरती को दिखाएंगे। फिल्म प्रोड्यूसर मोहम्मद अहमद ने बताया कि बेस्ट फ्रेंड फिल्म में जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, विजय और 3 नामी गिरामी बाल कलाकार इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा सोलन और हरियाणा के कलाकारों को भी इस फिल्म में कला दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं रशिया से आए प्रोड्यूसर ने बताया कि भारत एक बहुत ही सुंदर देश है, अन्य फिल्मों में भारत की गरीबी को दिखाया जाता है लेकिन वे अपनी फिल्म में भारत की खूबसूरती को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म अजूबा के बाद 26 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और रशिया के निर्माता मिलकर इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जो बच्चों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। महिलाएं गृहस्थी में पड़ने के बाद जिम्मेदारियों में ही उलझकर रह जाती हैं, खासकर घरेलू महिलाओं के लिए तो वही चूल्हा चौका, लेकिन किसी काम या फिर मुकाम के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बस आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। ये कहना है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी की श्वेता सिंह का, जो कि मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड सीजन 7 के फाइनल में प्रवेश कर अब वियतनाम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के डलहौजी क्षेत्र की एक प्रतिभा हिमाचल का नाम विदेश में भी रोशन करने जा रही है। पेशे से अध्यापिका डलहौजी की श्वेता सिंह में कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा बचपन से ही था और उनके सपनों को पंख मिले हॉट मोड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 7 के माध्यम से। इसमें उत्तर भारत में टॉप 15 में अपना स्थान बनाने वाली श्वेता सिंह अब वियतनाम में प्रतिभा दिखाएंगी। श्वेता सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से करीब 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के ऑडिशन पूरे भारत में हुए थे, इसमें विश्व भर से NRI महिलाओं ने भी भाग लिया था। उनका चयन टॉप 50 में हुआ और उत्तर भारत में उन्होंने टॉप 15 में अपनी जगह बनाई। श्वेता सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान उन्हें उनके परिवार का बहुत ही सहयोग मिला और अब उन्हें हिमाचल की जनता का सहयोग चाहिए। महिलाओं को संदेश देते हुए श्वेता सिंह ने कहा कि विवाह के उपरांत जीवन घर की चार दीवारी में ही सिमट के नहीं रह जाना चाहिए, उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए और इसमें उनके परिवार को भी उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिसेज
इसका कंटेस्ट का नाम है हॉट मॉन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2017 सीजन 7। तो मैं मिस्टर भरत हैं जो इस टीम के हेड जो इसको सारा कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल उनके लिए हूँ जिन्होंने हम लेडीज़ के लिए मैरिड लेडीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया अपने आप को प्रूव करने के लिए। और मैं हिमाचल से जैसे आई एम द ओनली वन टू रिप्रेजेंट माई हिमाचल माई स्टेट सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। और मैं हिमाचल के सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि हमारी मुझे वोट और सपोर्ट चाहिए मिसेस पॉपुलर सब टाइटल के लिए। मैं अपने सारी महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि शादी के बाद ये मत सोचें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई या कुछ भी है, अपने सपनों को साकार कीजिए। अगर कभी भी मौका मिले, ज़रूरी नहीं यही मौका मिले, ज़िंदगी में हज़ार मौके मिलते हैं, अपनी प्रतिभा को ज़रूर दिखाएं। बता दें कि इस प्रतियोगिता में हिमाचल से केवल श्वेता सिंह ही एकमात्र प्रतिभागी हैं जो कि टॉप 50 में प्रवेश कर इस प्रतियोगिता में स्थान बना पाई हैं। अब श्वेता वियतनाम में 28 जुलाई से इस प्रतियोगिता में होने वाले अगले विभिन्न पड़ावों की तैयारियों में जुट गई है। अब 27 जुलाई से 3 अगस्त तक इस प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन वोटिंग शुरू होगी। उन्होंने हिमाचल की जनता से उस दौरान उन्हें मिसेस पॉपुलर टाइटल के लिए अधिक से अधिक वोट करने की अपील की। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वीरवार को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी की सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मीजल्स उन्मूलन और रुबेला नियंत्रण के लिए एमआर वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यशाला में मीडिया पर्सन, रोटरी क्लब और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। गुरुवार को मंडी स्थित जोनल अस्पताल मंडी के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मीजल्स उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण के लिए एमआर वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यशाला में मीडिया पर्सन, रोटरी क्लब और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीएमओ मंडी देशराज शर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशानुसार 2020 तक मीजल्स उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण के उद्देश्य से साउथ ईस्ट रीजन में एमआर वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत तो मंडी जिला में 9 महीने से 15 साल तक के 3,00,000 बच्चों की 100% वैक्सीनेशन की जाएगी ताकि बच्चों को मीजल्स और रूबेला के घातक इन्फेक्शन से बचाया जा सके। सीएमओ मंडी देशराज शर्मा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों में 15 साल तक के सभी बच्चों की एमआर वैक्सीनेशन की जाएगी और स्कूलों में यह अभियान 16 अगस्त से शुरू होगा व अगले 2 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मीजल्स एक बहुत ही घातक इन्फेक्शन है जिसके चलते देश में 50,000 से लेकर 1,00,000 तक बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं और मीजल जैसी घातक बीमारी के उन्मूलन व रूबेला के नियंत्रण के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि विश्व में शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। सभी नागरिकों से, सभी जिला वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं आपके अपने घर में या आपके गांव में उन सबको 16 अगस्त से लेके अगले 2 हफ्ते हम स्कूलों में ये कार्यक्रम करेंगे। सभी बच्चे स्कूलों में आएँ और जिस दिन वहाँ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा होगा और ये आप इंश्योर करें कि सभी बच्चों को ये इंजेक्शन लगे ताकि जो पूरा हमारी कम्युनिटी है उसमें इन बीमारियों से बचने की जो ताकत है वो बन पाए, इम्यूनिटी हो पाए। और क्योंकि ये कार्रवाई या कार्रवाई जो है एक ही बार होनी है, ये कैंपेन सिर्फ अगस्त सितंबर 2017 में ही होगी, उसके बाद जो हमारा रूटीन कार्यक्रम है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम है उसी में ही ये एमआर के इंजेक्शन दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कोटखाई में 10वीं की छात्रा के साथ हुए घिनौने अपराध को लेकर सोलन में भाजपा भी सड़कों पर उतर आई है। सोलन की भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल और महिला मोर्चा सोलन मंडल द्वारा मालरोड पर कोटखाई में हुए दयनीय अपराध के संदर्भ में मौन विरोध कर कैंडल मार्च निकाला गया। कोटखाई में 10वीं की छात्रा के साथ हुए घिनौने अपराध को लेकर सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल और महिला मोर्चा द्वारा चिल्ड्रन पार्क में गुड़िया को इंसाफ दिलवाने व अमरनाथ में हुए आतंकी हमले को लेकर नारेबाजी की। हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रितु सेठी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने गुड़िया के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। हमारा बस केवल यही है कि जो दोषी गुड़िया के दोषी जो पकड़े गए हैं उनको सजा मिले, सख्त से सख्त, उन आरोपियों को छोड़ा ना जाए। फिर भी सीबीआई की मांग हम भारतीय जनता पार्टी मांग करती है और ये भी मांग करती है कि प्रदेश में जिस तरह के सारे हालात बढ़ रहे हैं उन हालात को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त कर जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से उनका जवाब लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है और दोषियों को फांसी की सजा हो, ये हमारी और जनता की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल सोलन। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए की चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसे साइन बोर्ड लगने जा रहे हैं जिसमें लिखा होगा कि यहां सेल्फी लेना प्रतिबंधित है। सेल्फी के कारण होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए मंडी जिला पुलिस ने यह निर्णय लिया है। ब्यास नदी के किनारे NH21 पर यह साइन बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया है। सेल्फी के शौकीन ब्यास नदी की खूबसूरती को देखकर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। यही कारण है कि सेल्फी के चक्कर में ब्यास नदी में बीते वर्षों के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। आए दिन हो रहे हादसों को रोकने के लिए अब मंडी जिला पुलिस ने सेल्फी प्रबंधित इलाकों को चिन्हित कर दिया है। नेशनल हाईवे 21 पर मंडी से और तक ऐसे 20 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर सेल्फी लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह प्रदेश में पहली बार होगा जब किसी स्थान को सेल्फी लेने के लिए प्रतिबंधित घोषित किया जाएगा। DSP हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मंडी जिला पुलिस 108 एम्बुलेंस सेवा के सहयोग से सेल्फी प्रतिबंधित क्षेत्रों पर साइन बोर्ड लगाने जा रही है। उन्होंने बताया कि साइन बोर्ड के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि यहां पर सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है। वहीं कुछ ऐसे स्थानों को भी प्रतिबंधित करने की योजना है जहां पर पहाड़ी से पत्थर आदि गिरने का खतरा रहता है। मंडी पुलिस और 108 का एक विशेष अभियान हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके तहत हमने 20 जो है एंटी सेल्फी पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं मंडी और मनाली हाईवे के बीच। जैसे कि आप जानते हैं टूरिस्ट सीजन चल रहा है, टूरिस्ट सीजन के साथ साथ ही रेनी सीजन भी शुरू हो गया है, तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे टूरिस्ट को पता नहीं है और वहां पे सेल्फी के चक्कर में या फोटो लेने के चक्कर में वहां पे अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो हमने ऐसे 20 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे हम 108 एम्बुलेंस वालों के साथ मिलकर एक एंटी सेल्फी ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं। उन पॉइंट्स पे हम बोर्ड्स लगाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि यहां पे ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं और कुछ एंटीसिपेटेड पॉइंट्स हैं जहां पे हो सकता है कि दुर्घटना घट सकती है। टूरिस्ट को अवेयर करने के लिए और उनका टूरिस्ट का ध्यान रखने के लिए और भी जो कम्यूटर्स रोड पर चल रहे हैं उनका ध्यान रखने के लिए मंडी पुलिस और 108 एम्बुलेंस वालों ने एंटी सेल्फी ड्राइव लॉन्च करने का प्लान बनाया। मंडी जिला की सीमा सलापड़ से शुरू हो जाती है और जहां पर सबसे अधिक हादसे होते हैं वो इलाका मंडी से औट के बीच पड़ता है। मंडी से औट तक NH21 के किनारे ब्यास नदी बहती है और बाहर से आने वाले सैलानी इसकी खूबसूरती के कारण इसके इतना नजदीक चले जाते हैं कि अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। 8 जून 2014 को थ्लौट के पास हैदराबाद के जो 25 छात्र ब्यास नदी में बहे थे वे भी सेल्फियां और फोटो लेने के लिए ही नदी के बीच तक चले गए थे। बेसिकली हमारा एरिया जो है अपना सिलापट से स्टार्ट होता है और आगे बुजौरा तक जाता है, तो हमने इसी सारे पॉइंट्स पे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो मंडी से आगे और ऑट तक जो है वहाँ पे ये पॉइंट्स आइडेंटिफाइड किए। मंडी जिला पुलिस अगले सप्ताह से इस मुहिम को शुरू करने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोग पुलिस की इस चेतावनी को समझ भी पाएंगे या फिर उसे भी नजरअंदाज करके मनमानी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल।
मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में छात्र संगठन एवीपी द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। एवीपी के इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि कॉलेज की समस्याओं, छात्र चुनावों की बहाली और सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। गुरुवार को मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में छात्र संगठन एवीपी द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कॉलेज में एवीपी के इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि मुख्य मांगों को लेकर, जैसे सेमेस्टर सिस्टम जिससे छात्रों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, छात्र संघ चुनावों और कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन व सरकार से इन मांगों को पूरा करने की मांग की, अन्यथा विद्यार्थी परिषद द्वारा इन मांगों को लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कैंपस के अंदर जो है हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। जो मुख्य मांगे थी, जो फीस वृद्धि है, जो आज आप देखेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम इस प्रदेश के अंदर चला हुआ है, छात्रों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, छात्र संघ चुनाव है और स्थानीय मांगे, जैसे आप देखेंगे कि आज कॉलेज की हालत देखेंगे, मंडी महाविद्यालय सबसे बड़ा महाविद्यालय, सबसे पुराना महाविद्यालय, 6000 के करीब यहाँ पे जो संख्या मंडी महाविद्यालय में पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे ना कोई लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था है, ना यहाँ पे टॉयलेट की उचित व्यवस्था है, ना पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। तो विद्यार्थी परिषद ने कैंपस के अंदर, मंडी के अंदर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के कैंपस के अंदर ये हमारा हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है। ये जो हमारी विभिन्न डिमांडें हैं, तो प्रदेश सरकार के विरुद्ध हम पहले भी आंदोलन करते आए हैं, और अगर जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आने वाले आगामी चुनावों में इसकी जो है इनको देखने को मिलेगा कि क्या रुझान रहेगा। और विद्यार्थी परिषद अगर समय रहते इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत तलेहाड़ के रत्ती पुल के ग्रामीणों ने पुलिस से इन पर दर्ज किए गए मामले को वापस लेने की मांग उठाई है। आज ग्रामीणों को पूछताछ के लिए सदर थाना में बुलाया गया था। बता दें कि 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर पुलिस ने दुकान में घुसकर शराब की पेटियां बाहर निकालने को लेकर मामला दर्ज किया हुआ है। मंगलवार शाम को रत्तीपुल के निवासियों ने यहां खुले शराब के ठेके का विरोध किया था। ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराब ठेके के लिए किराए पर ली गई दुकान में घुसकर शराब की पेटियों को बाहर निकाल दिया था। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रत्तीपुल निवासी पदम सिंह ने कहा कि जो मामला दर्ज किया गया है वह गलत है। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा है क्योंकि ठेका रिहायशी इलाके में खोला जा रहा है। वहीं बीडीसी सदस्य सोमा शर्मा ने कहा कि दर्ज किए गए मामले को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। वहीं इन्होंने अब उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सोमा शर्मा का कहना है कि अब शराब ठेके के विरोध में चक्का जाम किया जाएगा और ठेके को किसी भी सूरत में खुलने नहीं दिया जाएगा। हमारा रत्तीपुल से ठेके का विरोध है और इन पुलिस वालों ने हमें ये बुलाया था यहाँ, जो गलत तरीके से इन्होंने हमारा FIR किया हुआ है, और जो हमारा नाम, हमने तो कुछ किया नहीं है, ना कोई लड़ाई किया है, विरोध किया है हमने शांतिपूर्ण में, तो ये बोल रहे हैं FIR किया, आपको अंदर किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, नहीं तो आप मान जाओ ठेकेदार की बात है, तो ये गलत बात है। जो FIR कराई है वो गलत है, बिल्कुल गलत है वो FIR जो इन्होंने कराई है हमारे विरुद्ध। हमने कोई तोड़ फोड़ भी नहीं की है, ना हमने कोई बोतलें तोड़ी है, और ठेका हम खोलने देंगे और चक्का जाम करेंगे, हम विरोध करेंगे, अब हम और ज्यादा विरोध करेंगे, हम नहीं खोलने देंगे ठेका। उसको बंद करो, हमारा जो केस किया है उसको वापस लो, जो हमारा केस किया है, बनाया है, झूठा केस बनाया है, बच्चों का भी केस बनाया है इन्होंने, औरतों का भी केस बनाया हुआ है, मेरा भी बनाया हुआ है, वापस लो इस केस को। वहीं जब इस बारे में ASP मंडी कुलभूषण वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसी किसी मांग को लेकर ग्रामीण उनसे नहीं मिले हैं। केस वापस लेने की मांग को लेकर उन्होंने नो कमेंट्स कहकर इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।